नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार धर्मेंद्र कर्मी मित्रों इस वीडियो में हम लेकर आएँ आपके लिए दी एल थर्ड सेमिस्टर का चैप्टर पृथ्वी जो कि पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर, पर आधारित है और यह वीडियो आपके लिए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट आदि सब्जेक्ट में भी आदि एग्जाम में भी आपके लिए कारगर साबित हो क्योंकि अगर कोई भी नंबर सिस्टम यानी संख्याओं पर आधारित या पूर्णांक या परमे संख्या अपरमेय संख्या पर कोई भी अगर प्रश्न बनेगा तो वो सिर्फ यहीं से बनेगा यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास जैसा कि आप देख पा रहे हैं मित्रों ये हमारी मैथ क्लास सेवन है और यह मोस्टली पूर्णांक तथा परमेय संख्या यानी संख्याओं पर आधारित है और यह डी का थर्ड चैप्टर है तो सबसे पहले देखिए पूर्णांक तथा परमेश संख्याओं को समझने से पहले आपको समझना होगा संख्याएँ क्या होती हैं और संख्याएँ किन किन से मिलकर बनी होती हैं तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा संख्याओं से संबंधित या पूर्णान परमेश संख्याओं से संबंधित सबसे पहले समझते हैं संख्या क्या होती है तो देखिए संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के योग से मिलकर संख्या बनती है संख्या वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि संख्या है तो संख्या वास्तविक यानी रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर से मिलकर बनी होती है अब सबसे पहला बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई इमेजनरी नंबर्स यानी काल्पनिक नंबर्स क्या होते हैं और वास्तविक नंबर्स यानी जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं तो देखिए काल्पनिक नंबर्स जो होते हैं जिन्हें हम यानी इमेजनी यानी कल्पना की जाती है इनकी जैसे रूट में माइनस वन है रूट में माइनस टू है और काल्पनिक नंबर से ही आपके मिश्र संख्याएं जो कि ए प्लस आई बी के रूप में बनती हैं ए प्लस आई बी के रूप में बनती हैं ये अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे भी जवाब दे सकेंगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या, संख्या क्या होती हैं तो देखिए वास्तविक संख्या समझने के लिए आपको सबसे पहले परमे और अपरमे संख्या समझनी होंगी क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परमे संख्या तथा अपरमे संख्या दोनों के योग से ही हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि भाई जो पीवट्टे क्यू के रूप में है वो रियल नंबर है अदरवाइज़ पीवट्टे क्यू के रूप में है वो रियल नंबर है या नहीं कोई भी संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो यानी परिमेय हो या अपरिमेय हो दोनों ही कैसी होती हैं वास्तविक होती हैं वास्तविक संख्याएँ परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं तो अब प्रश्न उठता है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या तो देखिए परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो पीवट्टे q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो हो यानी q की वैल्यू क्या हो जीरो नहीं हो और उसकी कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो q नॉट इक्वल टू जीरो और ऐसी संख्याएं जो पीवटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं जैसे आप बोलोगे एक बट्टे दो परमेय संख्या है हाँ जी परिमेय संख्या है और परमेश संख्याओं के लिए आपको इतने याद रखना है शांत दशमलव और अशांत दशमलव यानी ऐसा दशमलव जो कुछ दशमलव के कुछ अंकों तक ख़त्म हो जाती है संख्या वो शांत दशमलव कहलाते हैं और अशांत दशमलव क्या होता है जो यानी लगातार लगातार कंटिन्यूस जो कभी ना ख़त्म होने वाले नंबर्स आते हैं वो अशांत दशमलव में आते हैं अगर भिन्नों के रूप में पूछी जाएगी कि परमे संख्या है तो आपको याद रखना है रिपीटिंग एंड रिकरिंग रिपीटिंग एंड रिकरिंग आपका परमे संख्या होती हैं और रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी जो रिपीट होते हैं लेकिन नॉन रिकरिंग है यानी ख़त्म नहीं होते वो अपर संख्या होंगी जैसे आपको अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि भाई अपर संख्या क्या होती है तो अपर संख्या होंगी पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती अरे सिंपल सी बात बताएं भाई परमे संख्या जो परमे संख्या नहीं है वही तो अपर है क्या है जो परमे संख्या नहीं है भाई वही क्या होंगी आपकी अपर सिंपल तो जो पीवट्टी क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो अपर में संख्या होंगी जैसे रूट में टू है रूट में थ्री है एंड मैनी मोर्स हैं रूट में फाइव है रूट में सेवन है ये सभी क्या है आपकी अपरिमेय में संख्या हैं अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या हैं तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं परिमेय संख्याएँ है। अब प्रश्न पूछा जाएगा भाई कि परिमेय संख्याओं किन किन संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं या परिमेय संख्या में पूर्ण संख्याएँ पूर्णांक क्या होते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं और पर जो पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो आगे बढ़ते हैं परमेय संख्याओं में तो देखिए परमेय संख्याओं को दो रूप में बांटा जाता है एक पूर्णांक संख्या है यानी पूर्णांक भी आपके परमेय संख्याओं में आते हैं और भिन्न संख्याएँ भी आपकी परमेय संख्या ही होती हैं अगर पूछा जाएगा कि भाई पूर्णांकों के गुणनफल से जो प्राप्त संख्या होगी वो परमेय होगी इतना याद रखना है पूर्णांकों के योगफल से जो प्राप्त संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी इतना आपको याद रखना है जब अब सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या क्या होती है आपके प्रश्न में आता है और लिखने को आएगा अगर पूर्णांक संख्या क्या है तो देखिए पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिनमें ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक और में यदि शून्य को जोड़ दिया जाए यानी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में यदि शून्य को जोड़ दिया जाएगा तो आपके पूर्णांक बन जाएंगे अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई पूर्णांक क्या हैं तो देखिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस को हम दर्शाते नहीं तो ये आपके क्या होंगे ये आपकी पूर्णांक संख्या होंगी आपको याद रखना है पूर्णांक संख्या क्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में यदि शून्य को जोड़ देंगे हम तो वो आपके पूर्णांक संख्या बन जाएंगी जैसे अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती हैं तो नेगेटिव साइन वाली संख्याएँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर धनात्मक प्रश्न में अगर पूर्णांक पूछे जाएंगे तो प्रश्न में तो धनात्मक चिन्ह को हम दर्शाते नहीं है जिनके पास कोई चिन्ह नहीं होता वो ऑटोमेटिक धनात्मक होती हैं और शून्य तो आप जानते हैं शून्य तो शून्य है ही नेक्स्ट है आपका धनात्मक पूर्णांक तो अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए भाई की होल नंबर्स यानी पूर्ण नंबर पूर्ण संख्या क्या होती हैं तो बस आपको इतने याद रखना है कि धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड शून्य और जब शून्य को ऐड कर दिया जाएगा तो बनने वाली संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं होल नंबर्स जैसे जीरो को जब हमने देखा अपने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया जीरो वन टू थ्री यानी पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो इजिकल टू पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स नेक्स्ट है आपका धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक को आगे पढ़ेंगे हम कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो धनात्म होते हैं तो देखिए जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं या हम कहें सीधे उन्हें प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक नंबर भी कह बोलते हैं जैसे कि वन टू थ्री एंड सोन तक आपकी सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं और प्राकृतिक संख्या हमारी निम्न रूप की होती हैं यानी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं हमारी निम्न प्रकार की होती हैं कितने कितने प्रकार की होती हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएँ जो कि एग्जाम में मोस्टली प्रश्न देखे जाते हैं इन्हीं का एक रूप होता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अनुवर्ती को ये हम उत्तरवर्ती बोलते हैं तो आपको इतना याद रखना है पूर्ववर्ती का जैसे कि पूर्व का अर्थ होता है भाई पहले का यानी जो संख्या दी है उससे एक अंक पहले अनु का मतलब होता है बाद अनु का मतलब क्या होता है बाद का या उत्तरवर्ती का भी मतलब बाद है वही है इसी का अन्य नाम है तो अनु का मतलब होगा बाद यानी जो संख्या दी हुई है उसके एक बाद का जैसे कोई संख्या दी है चार दी हुई है अब आपसे पूछा गया है भाई कि चार की पूर्ववर्ती संख्या क्या है तो देखिए इससे पहले की पूर्व मतलब इससे पहले के जो गठित हुआ है यानी इससे पहले की एक संख्या क्या आएगी एक अंक पहले की चार इसका पूर्ववर्ती नंबर या संख्या आ जाएगी अगर इसी तरह अगर पाँच हज़ार पूछा है आपसे पाँच हज़ार का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बताइए तो पाँच हज़ार में क्या कर देंगे भाई एक ऐड कर देंगे और पाँच हज़ार एक हमारी अनुवर्ती हो जाएगी जैसा कि पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में आपके में कोई कोई संख्या दे दी है उसमें अनुवर्ती अनुवर्ती की अनुवर्ती यानी दो बार हमें अनुवर्ती है जैसे कोई संख्या दी थी जैसे हम तेईस ही मान लें अब इसमें पूछा गया है तेईस की अनुवर्ती की अनुवर्ती यानी दो बार अनुवर्ती आई है तेईस की एक बार की चौबीस हो जाएगी एक बार अनुवर्ती होगी फिर जो अनुवर्ती संख्या है तो इसकी भी अनुवर्ती भाई तो इसकी अनुवर्ती पच्चीस हो जाएगी इस तरह आप ज्ञात कर पाएंगे तो प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्या निम्न प्रकार की होती हैं सबसे फर्स्ट होती हैं आपकी आवाज संख्या जिन्हें हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं तो आवाज संख्या जब आपको पूछा जाएगा कि प्रश्न में कि आवाज संख्याएँ हैं तो अवाज वे संख्याएं होती हैं जिनमें दो का भाग नहीं जाता है यानी पूर्ण रूप में दो का दो का भाग नहीं जाएगा वो आपकी आवाज संख्या आएंगी या इन्हीं का नाम रूढ़ संख्या बोलती हैं जैसे दो है पाँच है सात है ग्यारह है आद्य संख्याएँ अभाज्य हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में एक विशेषता ये होती है कि बाकी सभी संख्याएँ आपकी जितनी भी अभाज्य हैं वो विषम संख्या होती हैं लेकिन दो एक सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या होती है प्रश्न में पूछा जाएगा कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है तो दो सबसे छोटी भी होती है और सम अभाज्य संख्या होती है लेकिन बाकी संख्याएँ विषम अभाज्य संख्याएँ होती हैं नेक्स्ट है इसका टाइप है यौगिक जैसे नाम से ही पता चला यौगिक का मतलब होता है दो संख्याओं का यानी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड दो हों कम से कम तो यौगिक जैसे कि चार है भाई छः है पंद्रह है सोलह है आदि ये सभी क्या है आपकी यौगिक संख्याएं कहलाएंगी नेक्स्ट है इसका सम संख्याएं सम तो आप जानते ही हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं है होती हैं जिनमें दो का भाग चला जाए सम संख्या कहलाती हैं जैसे दो चार छः आठ दस आगे एंड शून्य तक आप और नेक्स्ट है इसका ही रूप है विषम संख्याएँ विषम वे बेसंख्याएँ है होती हैं जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा भाई तो विषम संख्याएं एक तीन पाँच सात नौ आदि ये विषम संख्या होती हैं तो इस तरह अगर कोई भी प्रश्न आपके पूर्ण संख्याओं से या नंबर संख्याओं से या प्राकृतिक संख्याएं, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती परमे अपरमे आदि से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न प्रश्न नहीं रहेगा बाकी सभी उत्तर हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आई है तो सभी मित्रों के साथ सभी शिक्षक साथियों के साथ करें इसे अधिक से शेयर करें लाइक करें अगर अभी तक आपने अपने चैनल को यानी अपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करें निशंको हो चुकर सब्सक्राइब करें क्योंकि धर्मेंद्र अकेडमी आपके साथ दिन प्रतिदिन मेहनत कर रही है और आपको बेहतर नोट्स और निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड करा रही है उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी नमस्कार